Hi friends, I hope you are fine. So as I've told you earlier, I would be bringing content which will help you to be profitable in the market. So I have decided to create intraday trading series which is based on the Nifty Nirvana. It's an ebook which I would recommend all of you should read it. तो यहाँ पे ये वीडियो आज एक रोड मैप होगा हाउ वी विल प्रोसीड फर्दर और आज मैं शेयर करूँगा कि वॉट वुड बी द कंटेंट एंड द बेसिक ओवरव्यू वुड बी देयर. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. सो अपार्ट फ्रॉम दिस ओवरव्यू वीडियो, पार्ट वन में हम बात करेंगे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट. फंडामेंटल फ्लॉज, दैट मीन्स कि फंडामेंटल एनालिसिस के क्या क्या ड्रॉबैक हैं. वाई ट्रेड फॉर इनकम, एक सस्टेनेबल इनकम के लिए हमें ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए. एंड दैट टू वे वाई डे ट्रेडिंग, विल टॉक अबाउट इफ इंट्राडे ट्रेडिंग इज प्रॉफिटेबल और नॉट. क्या ट्रेडिंग रिस्की है, विल बी गेट अ ग्लिम्स ऑफ रियलिटी ऑफ द मार्केट. विल टॉक if trading is a probability game, why should we doing discretionary trading or not, and what is the drawback of that, and what is the advantage of trading naked, that means without using any indicator. Trader development, ek trader kaise develop hota hai, कैसे वो पहले loss making trader रहता है, फिर break even पे आता है, फिर they get into a profitable trader. We would talk about actionable analysis. हम ये भी देखेंगे Nifty ही हमें क्यों choose करना चाहिए. What are the trading revolutions? And we would end the part one based on a story, that is blind man and blind elephant. अब हम बात करते हैं part two की. इन पार्ट टू इट्स बेसिकली डिसीजन पॉइंट ट्रेडिंग. डिसीजन पॉइंट ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हमारे चार्ट पे कुछ लोकेशंस होते हैं जहाँ पे स्मार्ट मनी बाय एंड सेल करती है, हमें उन्हें मिमिक करना है. सो टू स्टार्ट विद विल ट्राई टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी होली ग्रेल इन द ट्रेडिंग. व्हाट आर दोज लोकेशंस, व्हाट आर आवर डिसीजन पॉइंट्स, व्हाट इज प्राइस फ्लिप, टाइम फ्रेम हमें कौन सा यूज़ करना है, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस क्या होता है, ट्रेंड को हमें कैसे ट्रेड करना है, जब मार्केट रेंज में रहे तब हमें कैसे ट्रेड करना है, बाय लो से सेल हाई ये आपने सुना होगा वो हमें करना कैसे है, एक पर्टिकुलर मार्केट में स्पेस क्या होता है हम ये भी देखेंगे, एंट्री पैटर्न कौन कौन सी हो सकती है विल टॉक अबाउट दैट, व्हाट इज आवर एंट्रीज एंड इनिशियल स्टॉप लॉस ये हम देखेंगे, प्रेशर प्ले एक टर्म होता है प्राइस एक्शन के लैंग्वेज में, विल टॉक अबाउट दैट. देन इट्स ट्रेड मैनेजमेंट, जब आपने ट्रेड ले लिया तो उसको हम मैनेज कैसे करना है, वेदर इट्स विनिंग ट्रेड और द लूजिंग ट्रेड, ऑल ट्रेड नीड्स मैनेजमेंट. फिर एक कॉन्सेप्ट है मास्टर कैंडल का, फ्लूइड्स क्या होता है, बार्ब्ड वायर क्या होता है, इनिशियल रेंजेस क्या होता है. तो डोंट वरी अबाउट दिस जार्गन, आई प्रॉमिस्ड यू आई विल मेक इट सो सिंप्लीफाई इवन a class 10 student can understand this, and I try to keep it in Hindi and English so that both of the audience can be benefited. Hum example lenge apne kuch real trades ka, trading psychology ki ka naya definition hum seekhenge. Skill development, as a trader hame kaise apne aap ko enhance karna hai. So part 2 aur part 1 mein hum ye baatein karenge. So before we begin to a course, let's review something. ये क्या है, जब हम अपर साइड पे देख रहे हैं यहां पे, तो दैट मीन्स इट्स अ चार्ट, आपको भी दिख रहा होगा ये, ठीक है. अगर मैं इसको पेपर पे देखूं तो इट लुक्स लाइक दिस, सॉरी इट लुक लाइक दिस, ठीक है. एकदम ध्यान से देखो इसको, एक लेमैन देखेगा, हम देखते हैं तो ये अभी कुछ नहीं है, प्राइसेस का प्राइस अप हो रहा है, प्राइस डाउन हो रहा है,
लेकिन अगर हम जिसका दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, यू विल सी इट एवरी डे, मार्केट विल बी डूइंग इट एवरी नाउ एंड देन, और कुछ नहीं बनाता है मार्केट। अब इस चार्ट पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो अभी थोड़ा सा और कुछ हम रिव्यू करते हैं। अब यहाँ पे बीच में आता है प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। उसी चार्ट को अगर हमने एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो हमें कुछ पॉइंट दिखे, टॉप यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, एक हमने रेंज आइडेंटिफाई करा। यहाँ पे हम देख रहे हैं चार्ट को एक टेक्निकल एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से, पहले हम देख रहे थे एज अ लेमैन, और यहां पे अब हम देख रहे हैं एज ए टेक्निकल एनालिस्ट। तो यहां पे आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? क्या हमें चार्ट को ऐसे देख के ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऐसे या फिर ऐसे? अब आप बोलोगे बोर मत करो, लेकिन एक माइंड फ्रेम बनाओ कि वेन एवर वी लुक एट द चार्ट, वी शुड बी वॉचिंग इट फ्रॉम एन एनालिस्ट परस्पेक्टिव। आप प्रोफेशनल हो, आप अच्छे ट्रेडर हो, एंड आप ज़्यादा ग्रो करोगे। लेकिन जब चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होती है, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो ऑन दिस नोट लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। किसी भी दिन जब मार्केट खुलती है, बंद होती है और ट्रेड होता है, वो बस इसी के दायरे में आता है। इधर विल हैव ट्रेंड डे और विल हैव रिवर्सल डे, मे बी रेंज डे और कंसोलिडेशन। तो ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे पहले प्राइस ऊपर जा रही थी, अब नीचे आ रही है, यहाँ पे ऊपर जाके नीचे आई। तो बेसिकली ये सब आप देख सकते हो, लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं क्या हम देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। नाउ विल टॉक अबाउट ऑल मार्केट डे वन बाय वन। देखो, मार्केट में कुछ भी ट्रेंड रह सकता है, इट्स अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया चार्ट पे, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अप ट्रेंड। यहां पे मार्केट खुलता है सीधा रॉकेट की तरह ऊपर, और मोस्टली ट्रेंड होने के पहले मार्केट साइडवेज रहता है। ठीक है, अभी बस इसे इतना समझो कि ट्रेंड देख कहते किसे हैं, मार्केट खुला और सीधा रॉकेट की तरह ऊपर, या मार्केट ऊपर खुला सीधा ग्रेविटी की तरफ नीचे। इसको बोलते हैं रिवर्सल डे। पहले मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से पहले अप गया, बायर्स ने प्रॉफिट बनाए, यहाँ पे आए, यहाँ पे सेलर्स ने प्रॉफिट बनाए, फिर साइडवेज हो गया। यानी एक ही दिन में आपको दोनों साइड का मार्केट दिख गया। अब कुछ लोग बोलेंगे पहले मेरा बाय में ऐसा लेट हुआ था, फिर मेरा सेल में ऐसा लेट हुआ था। डोंट वरी, विल टॉक अबाउट दैट एंड वी आर हियर टू लर्न अबाउट दैट ओनली। पहले यहाँ पे देखो, एक रिवर्सल डे होता है, पहले से मार्केट अप ट्रेंड में है, सडनली जो जिन ट्रेडर ने यहाँ पे बाय किया होगा वो फंस गए होंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अगर ऐसा लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो यू कैन सी दैट हाउ ब्रूटली मार्केट फॉलन। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन एंड रेंज डे। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ये नॉर्मली होता है कि अगर कल का मार्केट ट्रेंडिंग है या 2 दिन से ट्रेंडिंग हो रहा है, तो मोस्टली वी वेट फॉर द साइडवेज डे। वी डोंट वेट, एक्चुअली मार्केट मेकर मेड इट साइडवेज। यहाँ पे आपका पी का भी स्टॉप लॉस हिट होगा, सी का भी स्टॉप लॉस हिट होगा। कॉल बाय करो तो भी फंसोगे, पुट बाय करो तो भी फंसोगे। नॉर्मली वी शुड अवॉइड दिस मार्केट। लेट्स सी। सो नाउ द क्वेश्चन इज, सिंस बिगनिंग वॉट आई हैव बिन रिहाइड्रेटिंग एंड द इंटेंट ऑफ मेकिंग दिस चैनल इज, वॉट वी नीड टू लर्न डे ट्रेडिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करना है।
कोई भी टाइम फ्रेम ख़राब या कोई भी टाइम फ्रेम अच्छा नहीं होता। आप अपना एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट्स। इससे ऊपर मत जाओ, ऑप्शन बाइंग में नॉर्मली फिर ट्रेंड कैच करने में मुश्किल होगी। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपका एक दिन का नॉर्मली व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केट, हाउ मच मनी यू वांट। लेट्स से यू वांट 50 पॉइंट्स फ्रॉम निफ्टी, तो 15 पॉइंट फ्रॉम निफ्टी 15, या सो यू वुड बी अर्निंग 750 रुपीज़। ठीक है, 20 पॉइंट चाहिए आपको, 50 पॉइंट चाहिए, जो भी आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से एक पॉइंट वो करो। उसके बाद निफ्टी का हिस्टोरिकल चार्ट खोलो और उस चार्ट पे जाके देखो कि कहाँ से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट निफ्टी मूव कर रही है। उस सारे पॉइंट को मार्क करो, डू इट फॉर एटलीस्ट फॉर 100 डेज, एटलीस्ट 100 डेज। यस, यू कैन लर्न ट्रेडिंग बट लर्निंग इज़ नॉट ईजी, यू हैव टू डू दैट। आप वहाँ से देखो कहाँ से मार्केट क्या जा रहा है। अभी पहले ब्लाइंड मैन की तरह देखो, जस्ट टू हेल्प यू आउट वॉट वी कैन डू, यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स, लोकेशन फ्रॉम वेयर द मूव स्टार्टेड, लोकेशन वेयर द मूव एंडेड, लोकेशन वेयर द मूव पॉज्ड, नोट डाउन द पैटर्न विच ट्रिगर्ड द मूव, मार्क वेयर कुड हैव एंटर्ड एट लीस्ट रिस्क विद अ मिनिमम 1:1 RR रेशियो, डिसाइड ऑन योर हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न एंड हाई प्रोबेबिलिटी लोकेशन। ये होमवर्क आप करो, ट्रस्ट मी यू विल हैव एन एज। सो एज इज सेड बाय द राइटर, डोंट वरी इफ यू कैन नॉट इन्वेंट, यू कैन ऑलवेज डू रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग मीन्स एप्पल R&D करके एक आईफोन लॉन्च करता है। व्हाट चाइना डज दिस, दे कॉपी इट एंड दे सेल इट। हियर आई एम नॉट आर्ग्यूइंग अबाउट द प्रोडक्ट वैल्यू एंड व्हाट प्रोडक्ट कुड बी, बट यू कैन लर्न द थिंग्स बाय डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग। बिकॉज सी, इन्वेंशन ऑफ न्यू स्ट्रेटजी इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ना तो हमें ट्रेनिंग में उतने पैसे खर्च करने हैं, ना तो उस हिसाब का सेटअप है, ना हमारी स्कूलिंग वैसी है, और यूट्यूब का तो क्या हाल है आपको पता ही है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन लर्न, एंड वी कैन लर्न इन अ वे दैट व्हाट आर द प्रूवन मेथड। सो वंस यूल सी व्हाट आर द प्रूवन मेथड, देन यूल अप्लाई योर ओन माइंड फ्रेम, ट्रस्ट मी यूल विन। एक ओवरव्यू निफ्टी निर्वाणा ने क्या बोला है, नॉर्मली जो भी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर होते हैं, दैट मीन्स डिस्क्रिशनरी ट्रेडर वो होते हैं नॉर्मली हम लोग जैसे होते हैं, चार्ट देखा बाय कर लिया, चार्ट देखा सेल कर लिया, अरे कोई बात नहीं, दो ट्रेड में लॉस हो गया, मेरे अकाउंट में है अभी पैसे, रिवेंज ट्रेड ले लिया। तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर के साथ दिक्कत ये होती है कि वो अपने इमोशन से ट्रेड करते हैं। If you are winner, you'll be in ninth cloud or seventh cloud, or if you're lost, you'll feel that दुनिया में सबसे गया गुजरा इंसान मैं ही हूँ, now I need to take that money from market. So ये problem होता है, that's why we are trying to learn systematic trading. So on this note, I'm closing this video. I have already given you the overview, a kind of homework. मैंने आपको ये दिखाया कि जब आप मार्केट में आओगे तो आपको किस हिसाब से डेज मिल सकते हैं, क्या ये ट्रेंडिंग डे है, क्या ये रेंज डे है, क्या ये रिवर्सल डे है। तो यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स से यू ओपन योर ट्रेडिंग टर्मिनल, देन यू आइडेंटिफाइड, ओह टुडेज़ ट्रेंड डे, अच्छा नहीं आज ये साइडवेज है। हम में से कईयों को यही नहीं समझ में आता है कि आज का मार्केट का डे क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो बाद की बात है। ठीक है, सो इन माय कमिंग वीडियो आई वुड फर्स्ट आई ट्राई टू कवर इन पार्ट 1
So you can skip the video, you can go back to the video and you can check what we would be covering in part one. Then we'll complete the trading with price action things. Thank you. Thank you so much. Please like and subscribe. ऐसा कैसे बोलते हैं like and subscribe? कर दो यार थोड़ा, सही रहेगा. अभी वो यूट्यूबर वाला फील नहीं आया. Thanks. Thanks, friends.